समग्र देश में गत रोज ईद उल अजा बकरी ईद धामधूमपूर्वक उजवणी करवामां आवी हती। त्यारे आ प्रसंगे ध्रांगध्रामां पण ईद उल अजा बकरी ईद उजवणी करी हती। आ प्रसंगे ध्रांगध्रा सिटी पोलीसे पूरतो बंदोबस्त जाळवी सहकार आप्यो हतो। दरेक लोको सुधी संदेश आपे छे, ईद उल अजा अर्थात बकरा ईद त्याग बलिदान अने कुर्बानीनी भावना व्यक्त करे छे। इस्लामे पोताना अनुयायीओने वर्षमां बे उत्सव भेट धर्या छे, जेथी मुसलमानोए दिवसोमां खुशी मनावी शके अने पोतानी कुदरती लागणीओ संतोषी शके। ईद उल फित्र अने ईद उल अजाना उत्सवमां सृष्टि सर्जक अने पालनहार तरफथी पोताना बंदाओ माटे एक एवी भेट छे, जेने बदले बंदाओना दरजा बुलंद थाय छे અને તેમના માટે મગફિરતના દ્વાર ખુલે છે। ઈદ ઉલ અઝા કે જેને બકરીદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, આ ઈદના તહેવાર નિમિત્તે સમગ્ર ધ્રાંગધ્રા શહેરના મુસ્લિમ બિરાદરો ઈદગાહ ગ્રાઉન્ડમાં ઈદની નમાજ અદા કરીને દેશમાં અમન શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે દુઆ પણ કરી હતી। આ પ્રસંગે ધ્રાંગધ્રા સિટી પોલીસ દ્વારા પૂરતો બંદોબસ્ત જાળવી સહકાર આપ્યો હતો। वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आज बकरीद ईद उल अजहा का त्यौहार मुबारक हो। और आज के दिन धांगधरा शहर की ईदगाह से ये ऐलान किया जाता है, बल्कि दावत दी जाती है कि यहाँ पर नमाज ईद पढ़ाई गई और मुल्क हिंदुस्तान के अमन सुकून चैन के लिए शांति के लिए दुआ की गई और तमाम आलम के लोगों को तमाम आलम के मुसलमानों को सबको आज बकरीद ईद उल अजहा का त्यौहार मुबारक हो। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे वतन अजीज ख्वाजा के हिंदुस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। शाहरुख सिपाही, लाइव गुजरात न्यूज़, ध्रांगध्रा।